हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटोर। लास्ट क्लासेस में बेटा हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट किए थे। चैप्टर चल रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12th। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने बहुत कुछ कर लिया था, ठीक है। हम लास्ट चीज पर आ चुके थे कि किस तरह से अब जो जाइगोट है दैट विल डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, उस पर आ चुके थे हम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। जो हमारे पास डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें एम्ब्रियो का जनरेशन कैसे होता है वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आज क्या है हमारे पास, छोटा सा टॉपिक कि मोनोकॉट प्लांट भी होते हैं। एंजियोस्पर्म्स दो तरह के होते हैं, एक डाइकॉट होते हैं एक मोनोकॉट होते हैं। तो मोनोकॉट्स में हमारे पास किस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, लास्ट क्लास में हमने डाइकॉट के बारे में किया था। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मोनोकॉट प्लांट में किस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। सेम ही है, थोड़ा सा हल्का सा वो थोड़ा सा ज्यादा सेल बना देता था, इतना सेल का फॉर्मेशन यहाँ वाले में नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर तुम थोड़ा सा याद करो तो हम इस टाइम पर कहाँ हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक है बेटा जी जाइगोट और एक पड़ा हुआ है हमारे पास एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ था वो हम कर चुके थे। अब ये जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, डाइकॉट किस तरह से हुआ वो हमने कर लिया, अब मोनोकॉट किस तरह से होगा वो हम करने जा रहे हैं। तो अगर आपके सामने आपके दिमाग में पिक्चर सही बने इसके लिए मैं क्या बना देती हूं, ठीक है, दिस इज द ओव्यूल, ठीक है, इस तरह से ओव्यूल बना लेते थे। ओव्यूल के अंदर क्या होता है बेटा जी, ऐसे एम्ब्रियोसैक होता है और एम्ब्रियोसैक के अंदर समवेयर यहां पर हमारा जाइगोट पड़ा हुआ है और बाकी हमारा एंडोस्पर्म है, बाकी मान लो दिस इज द एंडोस्पर्म है। हमारा ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड होता है एंड दिस एंड इज द चलाजल एंड एज वी नो। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ओव्यूल है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है, सब जानते हैं इस बात को। तो यहां तक पहुंचे हो तो इतनी बात तो तुम जानते ही हो, ठीक है। ये हमारे पास ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास जाइगोट बन चुका है और एंडोस्पर्म बन चुका है। क्लियर है बेटा बात। अब हम सीखने वाले हैं कि मोनोकॉट प्लांट में ये जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो मैं क्या करती हूं बेटा, इस जाइगोट को थोड़ा बाहर निकाल लूं ताकि अंदर तो हम इसका डेवलपमेंट दिखा नहीं पाएंगे, होगा इसके अंदर ही, होगा एम्ब्रियोसैक के अंदर ही, बट दिखा नहीं पाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको अच्छे से दिखाऊंगी जो सारा प्रोसेस यहां चलेगा, ठीक है। तुम इमेजिन करो कि इसके अंदर चलेगा, एम्ब्रियोसैक के अंदर चलेगा। क्लियर, स्टार्ट करें बेटा, चलो आओ। तो मैं लिख रही हूं, मान लो ये क्या है, जाइगोट है, दिस वन इज जाइगोट, मोनोकॉट का जाइगोट, ठीक है। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है बेटा जी, जाइगोट की प्लॉइडी होती है हमारे पास डिप्लॉइड। क्लियर है। अब हमें जरूरी है यह जानना कि जाइगोट का ये वाला एंड किस तरफ को है और ये वाला एंड किस तरफ को है, क्योंकि जो हमारा ये जाइगोट प्रेजेंट है वो हमारे ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है और ओव्यूल के दो एंड होते हैं, वन इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड अनदर इज द चलाजल एंड। तो जाइगोट का कौन सा साइड माइक्रोपाइलर एंड पे है, कौन सा साइड चलाजल एंड पे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डिवाइड होकर जो सेल बनेंगे उन सेल का जो अरेंजमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू द माइक्रोपाइलर एंड एज वेल एज चलाजल एंड ही होता है, ठीक है। तो मैं कह देती हूं, मान लो जाइगोट का ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है एंड दिस एंड इज द चलाजल एंड। क्लियर है। तुम उल्टा भी बना सकते हो, तो माइक्रोपाइलर एंड तुम ऊपर दिखा सकते हो, चलाजल एंड नीचे की तरफ दिखा सकते हो, बट मुझे यहां से समझ ज्यादा अच्छा आता है तो मैं माइक्रोपाइलर एंड नीचे ही होता है तो हमेशा नीचे ही बनाती हूं। बढ़िया, आगे बढ़े बच्चा, ठीक है। चलो अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर पहला डिवीजन होगा और वो डिवीजन कैसा होगा, याद करो डाइकॉट के केस में कैसा था पहला डिवीजन, वर्टिकल था कि ट्रांसवर्स था,
वर्टिकल था कि ट्रांसवर्स था? याद करो डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनेसिस, पहला डिवीजन ट्रांसवर्स था बेटा जी, ठीक है। तो यहां पर भी पहला डिवीजन क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। और बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्स डिवीजन हमारे पास ये जाइगोट दो सेल में बदल जाएगा, ठीक है। एक सेल था, अरे यार हाँ यही तो लिया था हमने, एक सेल था, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब यहां से काट दो, ऐसे सीधा ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे काटा हमने, ठीक है। एक सेल बन गया ये, एक सेल बन गया ये, ठीक है। तो हमारे पास एक सेल बन जाएगा ये, ठीक है, और एक सेल बन जाएगा ये। चलो, एक सेल बना है टुवर्ड द चलाजल एंड, ये वाला, और एक सेल रह गया है हमारे पास टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमारे पास ये बन गया है कुछ, तो जो हमारे पास बना है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, उसका नाम है हमारे पास सस्पेंसर सेल, एज लाइक द डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में भी सेम चल रहा है जैसा हमारे पास डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में हुआ था। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बना हुआ सेल, या तो बेसल सेल या तो इसको सस्पेंसर सेल कहते हैं। तो मान लो ये क्या है, दिस वन इज द सस्पेंसर सेल है, ये लिख देते हैं। इसका फ्यूचर तुम जानते हो, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस अगर देखकर आए हो, इसका फ्यूचर तुम जानते हो। ये सस्पेंसर सेल डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पर आगे मल्टीपल डिवाइड करता है ट्रांसवर्स तरीके से, और 6 to 8 सस्पेंसर, ठीक है, एक 6 to 8 सेल्स का एक सस्पेंसर बना देता है, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है, नहीं याद तो रिपीट करो, देखो क्लास, ठीक है। तो बोला यहां पर यह बन गया सस्पेंसर सेल, और ऊपर वाला हमारे पास बन गया है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल सेल, या एम्ब्रियो सेल भी बोल देते हैं इसको। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, क्लियर है बेटा बात आपके पास, ठीक है। एक बन गया हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल, और एक बन गया हमारे पास सस्पेंसर सेल। जो हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल बना है बेटा जी, ये मुझे देखने में कुछ स्मॉल लग रहा है, तो मैं इसको लिख रही हूं, दिस इज समवेयर स्मॉल साइज का होता है। जबकि हमारे पास सस्पेंसर सेल देखने में भी मैंने लार्ज बनाया है, और एक्चुअल में होता भी लार्ज ही है। और बनता किस डायरेक्शन को है? चलाजल एंड की तरफ नहीं बनेगा सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल हमेशा किस तरफ को बनेगा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को बनेगा, याद रखेंगे बेटा जी। और चलाजल एंड की तरफ भी छोटा सेल बनेगा, और उसका नाम क्या होगा? एम्ब्रियोनल सेल होता है। क्लियर? अब देखो क्या होगा, हमारे पास ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, ये अब डिवाइड करता है। कैसा डिवाइड करता है मैम? क्या ये ट्रांसवर्स डिवाइड करता है, क्या ये वर्टिकल डिवाइड करता है, कैसा डिवाइड करता है? अगर याद करो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में, तो ये वर्टिकल डिवाइड करता था, बट यहां पे बदल गया बेटा, यहां पे माहौल बदल गया। यहां पे क्या माहौल बदला है? यहां पे माहौल बदला है कि ये अब ट्रांसवर्स डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स डिवाइड डिविजन करेगा यहां पर। अगर हमारा चलाजल एंड की तरफ को प्रेजेंट एम्ब्रियोनल सेल एक ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा जी हमें, देखो जरा ध्यान से, कुछ ऐसा दिखेगा। जो एक सेल था एम्ब्रियोनल, अब किसमें कन्वर्ट हो गया? दो एम्ब्रियोनल सेल बन गए, ठीक है। और नीचे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? दिस वन इज द सस्पेंसर, ठीक है, ये सस्पेंसर सेल प्रेजेंट है हमारे पास, लिख दो। तो दिस वन इज द एम्ब्रियोनल सेल, तो इसको हम बोल देते हैं टॉप सेल। एम्ब्रियोनल सेल का जो ऊपर वाला सेल है, इसको टॉप सेल बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं मिडल सेल। और सबसे नीचे क्या है हमारे पास? सस्पेंसर सेल या बेसल सेल, कुछ भी लिख लो, मैं सस्पेंसर सेल लिख रही हूं। दिस वन इज द सस्पेंसर सेल। अब क्या फ्यूचर है टॉप सेल का, क्या फ्यूचर है मिडल सेल का, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सस्पेंसर सेल? हमारे पास डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस जब हो रही थी, तो ये सस्पेंसर सेल मल्टीपल ट्रांसवर्स डिवीजन करता था, और 6 to 8 सेल्ड सस्पेंसर बना देता था। काफी अच्छा, 6 to 8 सेल्ड लंबा सस्पेंसर बना देता था। बट यहां पे बेटा, इन केस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, हमारे पास ये सस्पेंसर सेल रिड्यूस्ड होता है। मतलब ये इतनी बार ट्रांसवर्स डिवीजन नहीं करता, इनका जो सस्पेंसर बनता है वो बहुत छोटू बनता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? फ्यूचर रिड्यूस्ड, यहां से हमारा क्या बनेगा? फ्यूचर में बनने वाला
फ्यूचर रिड्यूस्ड सस्पेंसर। जैसा सस्पेंसर आपने डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में देखा था उससे रिड्यूस्ड होगा, बिल्कुल रिड्यूस सा होगा, ठीक है। मिडल सेल का फ्यूचर क्या है? ये जो मिडल सेल है इट विल गोइंग टू मेक द रेडिकल पोर्शन, ठीक है। ये क्या बनाने वाला है? फ्यूचर रेडिकल बनाने वाला है। एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टॉप सेल? ये हमारा टॉप सेल जो है फ्यूचर प्लीम्यूल बनाने वाला है, और उस प्लीम्यूल में बेटा जी अब दो कॉटिलीडन ना होकर एक कॉटिलीडन होगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोकॉट। मोनो मतलब एक, कॉट मतलब कॉटिलीडन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टॉप लेयर क्या बनाएगी? हमारे पास फ्यूचर प्लीम्यूल बनाएगी विद वन कॉटिलीडन, और उस कॉटिलीडन का एक फैंसी नाम भी है। जो ये एक कॉटिलीडन है उसका एक फैंसी नाम रखा हुआ है, ठीक है। उसका फैंसी नाम क्या है बेटा जी? जो एक कॉटिलीडन है उसका फैंसी नाम है स्कूटैलम, ठीक है। स्कूटैलम, थोड़ी अहमियत दी है इसको कि बेचारे को बुरा ना लगे कि हाँ ये मेरे पास एक ही कॉटिलीडन, ठीक है, ऐसा बुरा ना लगे तो इसके लिए इसको एक फैंसी नाम दे दिया, तो इसको अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है। और उसके उसके पास दो कॉटिलीडन होते थे, डाई मतलब टू, कॉट मीन्स कॉटिलीडन। तो डाइकॉट में दो कॉटिलीडन होते हैं जबकि मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलीडन होता है, ठीक है, और उस सिंगल कॉटिलीडन को हम स्कूटैलम कह देते हैं। क्लियर बच्चा? ये बनेगा। उसके बाद वही स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज आती है पहले, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस में ग्लोबुलर स्टेज बनती थी, हार्ट शेप्ड, ठीक है, हार्ट स्टेज बनती थी, अलग अलग बनती थी। यहां पर क्या बनेगा? यहां पर पहले बनेगी ग्लोबुलर स्टेज, ठीक है। यहां पर ऐसे ये जो सेल्स हैं हमारे पास, सस्पेंसर सेल हल्का फुल्का डिवाइड करके सस्पेंसर बना देंगे, मिडल सेल डिवाइड कर करके हमारे पास फ्यूचर रेडिकल बना देगा, और टॉप सेल हमारे पास डिवाइड कर करके हमारे पास क्या बना देगा? प्लीम्यूल बना देगा, जिसके अंदर की एक सिंगल कॉटिलीडन होगा, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। नीचे क्या होंगे? व्हाइट कलर लिया है सस्पेंसर सेल के लिए, तो मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे रिड्यूस सस्पेंसर सेल, दिस इज अ सस्पेंसर, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज द रिड्यूस्ड सस्पेंसर है हमारे पास, ठीक है, और उस रिड्यूस्ड सस्पेंसर पे मान लो बेटा ये ऐसे ऐसे से ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है? दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर बना नहीं, ये थोड़ा कुछ अजीब सा ही बन गया, दोबारा बना देते हैं। ये ना एक तो मेरे को ये परेशान कर रहा है स्कूटैलम, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये ग्लोबुलर स्टेज है स्कूटैलम, ठीक है। तो दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज का, ग्लोबुलर स्टेज ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, और दिस वन इज द रिड्यूस्ड सस्पेंसर। क्लियर है इतनी बात? और ये अब ग्लोबुलर जो स्टेज है ये अपने आप को रीअरेंज करती है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है। आओ देखें कैसा स्ट्रक्चर बना देती है, आओ देखें। हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देती है। ये जो तुम्हें इस तरफ को टिल्टर दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज द सिंगल कॉटिलीडन। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन होता है, और सिंगल कॉटिलीडन का नाम क्या है बेटा जी? सिंगल कॉटिलीडन, दैट इज स्कूटैलम, ठीक है। और ये स्कूटैलम कैसा होता है, कैसी शेप दिखती है इसकी? इट इज शील्ड शेप, शील्ड की तरह। मतलब ये जो है ना ये वाला पार्ट, दिस इज द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। यहां पे एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो में कुछ इस तरह से हमारी डायग्राम बनाई हुई है एनसीईआरटी ने। ये हमारे पास पूरा क्या है? दिस एंटायर पोर्शन इज अ सिंगल कॉटिलीडन विच इज आल्सो कॉल्ड स्कूटैलम, और ये हमारे पास एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो में ये क्या है हमारे पास? दिस इज प्लीम्यूल और दिस इज रेडिकल।
अब प्लीम्यूल के ऊपर एक और ऐसे बना रखा है कैप सी, बेटा ये प्लीम्यूल के प्रोटेक्शन के लिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड कॉलियोपटाइल। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? कॉलियोपटाइल कहते हैं। देखो हमारे पास प्लीम्यूल में पी आता है और कॉलियोपटाइल में भी पी आता है, तो प्लीम्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं? कॉलियोपटाइल कहते हैं, और रेडिकल की कवरिंग को कॉलियोराइजा कहते हैं, कॉलियोराइजा कहते हैं। ठीक है, आर आता है, आर यहां पे भी आता है, कॉलियोराइजा कहते हैं। एक और चीज है यहां पर, देखो यहां पे एक ही कॉटिलिडन है ना, यहां पे एक ही कॉटिलिडन है, बट यहां पे समवेयर यहां पे ऐसे, ठीक है, यहां पर हमें एक रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ कॉटिलिडन देखने को मिलता है। दिस इज द एपिब्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? दिस इज द एपिब्लास्ट। व्हाट इज एपिब्लास्ट? देखो कॉटिलिडन तो दो होने चाहिए थे, ठीक है, क्यों एक बना? क्योंकि एक दो कॉटिलिडन थे जिनमें से एक मान लो ऐसे था, ऐसे था, ये सेंटर जहां भी मेरे थंब है, ठीक है, इस थंब को मान लो एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो है यहां पे, और ये दो मेरे जो फिंगर है ऐसे ऐसे जो अभी ऐसे ऐसे कर रही हूं मैं, ठीक है, ये कॉटिलिडन है बेटा, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये कॉटिलिडन है। तो डाइकॉट के केस में ये दो कॉटिलिडन थे, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट क्या हो गया? एक जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका है, एक जो है वो रिड्यूस हो चुका है और एक ही कॉटिलिडन बचा हुआ है। तो जो रिड्यूस्ड पोर्शन हमें विजिबल हो रहा है इन केस ऑफ मोनोकॉट के एम्ब्रियो में, दिस इज कॉल्ड एपिब्लास्ट। उसको हम क्या कह देते हैं? एपिब्लास्ट कह देते हैं। व्हाट इज एपिब्लास्ट? दिस वन इज द रिड्यूस्ड सेकेंड कॉटिलिडन, क्योंकि फर्स्ट तो वो है जो फुली दिख रही है, दिस इज द रिड्यूस्ड सेकेंड कॉटिलिडन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, मोस्टली हमें ग्रास के केस में देखने को मिलता है एपिब्लास्ट, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली सीन इन द केसेस ऑफ ग्रास के केस में हमें देखने को ये मिलती है। और ये क्या है हमारा? दिस वन इज द लार्ज स्कूटेलम वाला पोर्शन, सिंगल कॉटिलिडन। बढ़िया बढ़िया, तो दिस इज द मोनोकॉट का एम्ब्रियो। ठीक है, हमारे पास मोनोकॉट के एम्ब्रियो में एक ही स्टेज आती है, दैट इज द ग्लोबुलर स्टेज, जो हमने देख ली कुछ ऐसा। फिर जब ग्लोबुलर स्टेज आती है उसके बाद ये अपने आप को कुछ रीअरेंज करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लगता है जिसमें हमें कॉलियोराइजा, कॉलियोपटाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, एपिब्लास्ट, ऑल हमें स्कूटेलम, दैट इज सिंगल कॉटिलिडन देखने को मिलता है। और इसका शेप कैसा है सिंगल कॉटिलिडन का? इट इज समवट शील्ड शेप। देखो बेटा ध्यान दो थोड़ा सा, शील्ड शेप्ड होता है कॉटिलिडन, ऐसे को हो गया थोड़ा, ठीक है, कवर कर रहा है किसको? इसको। और इसके इस तरह से शील्ड बनाने से या ऐसे टिल्ट होने से हमारे पास थोड़ा सा एम्ब्रियो भी टिल्टर ही नजर आ रहा है हमें, हल्का सा टेढ़ा सा ऐसे, तो इट इज अ शील्ड। अगर क्वेश्चन आता है नीट में शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन किसका होता है? हाँ जी, मोनोकॉट्स का होता है, जिसको हम स्कूटेलम भी कहते हैं। क्लियर है? अब मैं चाहती हूं ये सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, मतलब इसके अंदर, इसके अंदर, मतलब अभी ये जायगॉट नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो, ठीक है, जैसा हमने बनाया है बना ले उसको। आओ ये सेम स्ट्रक्चर अब मैं किसके अंदर ड्रॉ करना चाहती हूं? इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो कैसा दिखेगा हमें? देखो ये मान लो क्या है, ये कुछ हमारे पास, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में मुझे क्या दिखता है? ओहो रुको, एम्ब्रियो सैक में मुझे क्या दिखता है? स्कूटेलम एंड एम्ब्रियो कुछ इस तरह से टिल्टेड, इस तरह से दिख रहा था। ये क्या है? दिस इज स्कूटेलम, शील्ड शेप का कॉटिलिडन। और यहां पर हमें क्या दिख रहा था? कॉलियोपटाइल एंड प्लीम्यूल, कॉलियोराइजा एंड रेडिकल, और हल्का सा मुझे ग्रासेस के केस में यहां पे एपिब्लास्ट भी दिखता था, एपिब्लास्ट भी दिखा दिया। और बाकी पोर्शन क्या है एम्ब्रियो सैक में?
याद करो बाकी पोर्शन में क्या होगा एम्ब्रियो सैक में, एंडोस्पर्म भी तो होगा, एंडोस्पर्म भी तो होगा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म कहां गया, एंडोस्पर्म बेटा ये है एंडोस्पर्म, ये पूरा पोर्शन जो यहां बचा हुआ है एम्ब्रियो सैक के अंदर, दिस इज हमारा, ये है एंडोस्पर्म, ठीक है। यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ये हमें एंडोस्पर्म दिख रहा है। क्या प्लॉइडी होती है एंडोस्पर्म की, 3n, और ये जो एम्ब्रियो है इसकी प्लॉइडी 2n। लेबल कर रही हूं दोबारा से बेटा जी, ये क्या है बोलो जल्दी, ये क्या है, अगर ये प्लीम्यूल है तो प्लीम्यूल की कवरिंग में भी पी होता है, मींस कॉलियोपटाइल, राइट, ठीक है। अगर ये रेडिकल है तो रेडिकल की कवरिंग के आगे क्या होता है, कॉलियोराइजर, एंड दिस इज द रिड्यूस्ड कॉटिलिडन, सेकेंड रिड्यूस्ड सेकेंड कॉटिलिडन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एपीब्लास्ट, ठीक है। एंड दिस इज एंडोस्पर्म, हमारे पास पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को कवर करके रखती है, कौन सा कलर लें, अच्छा ये ले लेते हैं, एक प्रोटीन की लेयर पूरे के पूरे हमारे पास इस एंडोस्पर्म को कवर करके रखती है, अ लेयर ऑफ प्रोटीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोटीन की लेयर जो है वो कवर करके रखती है और इसको कहते हैं हम एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। एक तो लेयर तुम दिख रहे हो पूरे हमारे इस एम्ब्रियो सैक को कवर कर रही है, और एक लेयर सिर्फ और सिर्फ किसको कवर कर रही है, ओनली कवरिंग द एंडोस्पर्म, जो ये पिंक कलर की कवरिंग है इट इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर, जो किससे मिलकर बनी है बेटा जी, एंडोस्पर्म की सेल से ही मिलकर बनी है। तो प्लॉइडी अगर एंडोस्पर्म की ट्रिप्लॉइड है तो एल्यूरॉन लेयर की प्लॉइडी क्या होगी, इट इज ऑल्सो ट्रिप्लॉइड होगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मतलब ओव्यूल के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा हमें अपने एम्ब्रियो सैक में, एंडोस्पर्म का एज वेल एज हमारे एम्ब्रियो का। तो ये हमारे पास हो गया डेवलपमेंट या फिर किस तरह से मोनोकॉट के अंदर एम्ब्रियो का जनरेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सीड, जो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से करके आएंगे, ध्यान से पढ़ के आएंगे, कुछ मिस नहीं करेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।